आज मैं आपको जो है कानपुर स्पेशल कबाब समोसे की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस बार बकरीद में जब आपके घर पे बकरीद का गोश्त ढेर सारा हो ना, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने मेन्यू में इस रेसिपी को शामिल करिए, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं अपने कबाब समोसे की रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तमीद मायरा फूड्स में आप सबका वेलकम। तो अपने कबाब समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है। 3 कप मैदे में हम डालेंगे नमक करीब 1 चम्मच, जो घर के खाने वाले चम्मच होता है ना, उस चम्मच से 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही हम शक्कर डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे जो है बेकिंग पाउडर, तो जो है जो केक में पड़ता है ना वो वाला हमें पाउडर लेना है, तो बेकिंग पाउडर डाल देंगे और आधे छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सोडा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब जो है 2 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तो आप कोई सा भी तेल लेते हो जो आप खाने के लिए यूज़ करते हो ना, वो वाला तेल, रिफाइंड तेल, वो आप जो है ले सकते हो। तो तेल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 5 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। तो दही डालकर हम इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालकर जो है एकदम सॉफ़्ट डो लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हम लोग भटूरे के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम सॉफ़्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी डालकर जो है मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लिया है। तो इसे ज़्यादा जो है मसलने की या जो है उसको जो है गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से स्टिकी जैसे आटा रहता है ना, उस तरह से हमें गूंद कर तैयार कर लेना है। तो इसे अब हम 2 घंटे के लिए ढक करके छोड़ देंगे। आटा हमारा गूंद गया, इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, या अगले दिन भी आप बनाना चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 2 घंटे के लिए इसे छोड़ा है। अब छोड़ने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अब नेक्स्ट हम अपना कबाब बनाकर उसको तैयार कर लेते हैं। तो अपने कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 1/2 किलो कीमा लिया हुआ है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छन्नी में रख दिया, इसका पानी निकल गया, तो मैंने इसे मिक्सर में चला लिया। और मैंने पहले से ही जहाँ से मैंने कीमा लिया था वहाँ से मशीन का कीमा लिया था। ये तो बिल्कुल बारीक हमारा ये कीमा हो गया है, पहले मशीन में चलवाया फिर मिक्सर में पीस लिया, इसलिए अच्छा से बारीक हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें करीब 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे, फिर अपने कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और जो है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हमने जो है गरम मसाला लिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से नमक मिर्ची डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो है 1 मुट्ठी हरा धनिया और थोड़े से पुदीना के पत्ते डाले हैं। और यहाँ पर मैं अब करीब 4 से 5 चम्मच जो है भुना हुआ बेसन डालूंगी, बाइंडिंग के लिए भुना हुआ बेसन यूज़ करेंगे। बेसन को हल्के आँच पर आप जो है 1 से 2 मिनट भून लेंगे अच्छी से खुशबू आने पर, बस जो है इतना ही भूनना, जब अच्छी से खुशबू आ जाए बस उसको निकाल लीजिएगा। तो बेसन भी हमारा जो है हमने डाल दिया है। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो है ऑमलेट कट कर जैसे होता है ना, उस तरह से बारीक चॉप करके, यानी कि जैसे हम अंडे में डालते हैं ना उस तरह की प्याज जो है हमें काट करके इसमें डाल देनी है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एकदम अच्छे से जो है हमें मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे मसाले अच्छे से कीमे में हमारे मिक्स हो जाएं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, जो है कबाब का हमारा मिक्स तैयार है। इसे भी एक साइड में रख देते हैं। इसमें हमने ना तो पपीते का इस्तेमाल किया है ना ही कचरी पाउडर का, लेकिन तभी भी हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। आप देखिएगा कितने अच्छे हमारे कबाब बनकर तैयार होते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं। मैंने बिल्कुल आपको उसी तरह की रेसिपी बताई है। तो यहाँ पर मैं अपना आटा देख लेती हूँ। आटे को रखे हुए 2 घंटे हो गए, आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा आटा हो गया है। तो अब चलिए फटाफट से हम अपने सबसे पहले कबाब बना कर तैयार कर लेते हैं, ताकि हाथों हाथ हमारा कबाब और जो है समोसा दोनों फ्राई हो जाए। तो कुछ लोग इसे जो है स्टफ़ करके भी बनाते हैं और बिना स्टफिंग के भी बनाते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी, स्टफिंग वाला भी और बिना स्टफिंग वाला। तो थोड़ा सा हाथों पे तेल लगाकर छोटे छोटे हम इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो मार्केट में जो कबाब मिलता है ना, उन लोग इसी तरह बस हाथ से छोटा छोटा उठा के पोर्शन डालते जाते हैं तेल में, फ्राई करते जाते हैं, इस तरह से शेप नहीं देते। लेकिन मैं अपने कबाबों को छोटा छोटा शेप देकर
एकदम गोल गोल बनाकर तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा सा और क्यूट सा हमारा कबाब दिख रहा है। तो बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। बिल्कुल भी आप इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। कच्चे कीमे के हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, हमारा इतना कीमा बच गया है तो इसे हम बाद में इसके जो है कबाब बना लेंगे। अभी मैं आपको समोसा बनाकर बताती हूँ। तो समोसा बनाने के लिए आप इस तरह से स्टील की थाली या आप जो चॉपिंग बोर्ड ले रहे हैं ना तो चॉपिंग बोर्ड पे, या मैंने या फिर जैसे मैंने प्लेट ली उस तरह की प्लेट पर आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, फिर हाथों में तेल लगा लेंगे और तेल लगा कर छोटा से हम अपने आटे से ऐसा लोई ले लेंगे या पेड़ा बोलते ना तो वो ले लेंगे, छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इसको हम अपने हाथों से इस तरह से उंगलियों की मदद से फैला लेंगे। तो इस तरह से फैलाने के बाद अब हम इसमें अपना जो हमने कबाब बना के रखा है वो जो है इसमें रख देंगे, तो हमारा ये स्टफिंग वाला समोसा बन जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी ये समोसा बनता है, बहुत ही इजी, देखिए इजी तरीके से मैंने आपको बताया कितना इजीली ये बन जाता है। और फैलाने में भी इसको हाथों से हम लोग फैला रहे हैं ना, ये फट रहा है ना कुछ, इसमें आपको दिक्कत आएगी। इंशाल्लाह एकदम इजीली आप बनाकर तैयार कर लोगे। तो ना हमने बेलन लिया है ना कुछ, जो है इस तरह से हाथों से फैला कर अपना स्टफिंग वाला समोसा बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरह से अब हम बिना स्टफिंग का भी समोसा बना लेंगे। तो जो है इसको कुछ लोग बोलेंगे ये समोसा तो नहीं, लेकिन ये इसको समोसा ही बोलते हैं कानपुर में। ये आपको दोनों तरह से मार्केट में मिलता है, स्टफिंग के साथ भी और बिना स्टफिंग के भी, दोनों तरह से ये मिलता है और दोनों तरह से इसको पसंद किया जाता है। तो आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कितने इजी तरीके से देखिए बन रहा है, एक नई रेसिपी आप बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी अपना समोसा जो है हाथों की मदद से इसको राउंड शेप में बना के तैयार कर लिया, तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तब हम एक एक करके पहले सबसे अपना समोसे फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने इसी तेल में कबाब भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपने जो है समोसे को डाल दिया है, अब ये अच्छे से जो है फूलता हुआ ऊपर आएगा और इसे हम चम्मच से जो है इसे दबाते हुए इसको जो है फुला लेंगे। ये देखिए एक साइड से ये जो है फूल गया, तो हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और इसको अच्छा से गोल्डन कलर आने तक का इसे हम सेक लेंगे। तो बढ़िया से जब ये सीख जाएगा एकदम, देखिए गोलू पोलू सा एकदम गोल मटोल सा हमारा समोसा जो है फ्राई हो गया है, एकदम फूल गया है, एकदम नाच रहा है उसी में तेल में, है ना। तो जो है इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसे इसी तरह लटते पलटते फ्राई कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक का इसे हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो बढ़िया से कलर आ गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बढ़िया से कलर आ गया है, इसे हम निकाल लेते। अब हम दूसरा अपना समोसा फ्राई कर लेते हैं जो हमने बिना स्टफिंग के बनाया है, उसे डाल देंगे। अभी मैंने स्टफिंग वाला फ्राई किया था। तो आप चाहे जिस तरह से बनाएंगे इंशाल्लाह दोनों तरह से आपको पसंद आएगा, दोनों तरह से अच्छा नरम और सॉफ्ट आपका बनकर तैयार होगा, एकदम फूला फूला आपका समोसा बनकर तैयार होगा। तो ये भी हमारा फ्राई हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसमें जो है इसी तेल में अपना जो है कबाब भी फ्राई कर लेंगे। दूसरा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है वो इसी तरह एक ही तेल में उन लोग कबाब समोसा दोनों ही फ्राई करते हैं, तो हम भी उसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से हम अपने कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ तेल गर्म है हमारा, फटाफट से इसी तेल में हम अपना कबाब भी डाल देते हैं। और जो है इसको पहले हम लो फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे फ्लेम हाई करके इसको लाल होने तक का, एकदम गोल्डन होने तक का इसको हम फ्राई कर लेंगे। अलटते पलटते हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम जो है इसे फटाफट से निकाल लेते हैं। तो जो है हमारा कितना अच्छा सा जो है ये फ्राई हो गया, ना टूटे हैं ना फटे हैं हमारे कबाब, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। इसे हम अब तेल से बाहर निकाल लेते हैं, एकदम बढ़िया से कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही की चटनी और हरी चटनी के साथ इसे सर्व किया है, बहुत ही फूले फूले नरम हमारे ये जो है समोसे बनकर तैयार हुए थे। आप देख सकते हो इसकी जाली से, आप समझ सकते हो कितने अच्छे सॉफ्ट और जो है नरम हमारे ये समोसे बनकर तैयार हुए। तो मैं आपको अपना स्टफिंग वाला भी समोसा जो है तोड़कर दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा समोसा वो भी बनकर तैयार हुआ, एकदम फूला फूला अंदर तक हमारा समोसा फ्राई हो गया है।
तो बहुत ही अच्छा टेस्टी हमारा कबाब समोसा बना था। आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा, दही की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। धनिया पुदीना मिर्ची की चटनी हमने पीसा था, उसी को थोड़ा सा दही में मिला दिया था, तो इसी तरह से कानपुर में सर्व किया जाता है दही की चटनी और हरी चटनी के साथ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल तमीज मायरा फूड्स को। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।